नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में योगों के बारे में। अभी तक हमने आपको बहुत से योग बताए हैं, उसमें से जैसे कि वरिष्ठ योग, कुहू योग, कापोर योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इस तरह के योगों के बारे में आपको जानकारी दी। आज हम एक नए योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम रोगग्रस्त योग कहते हैं। तो रोगग्रस्त योग के लिए देखिए किस तरह से कुंडली में देखा जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रोगग्रस्त योग के लिए आप इसका जो सूत्र है वो इस तरह से है कि लग्न में अष्टमेश द्वादश साथ हो तो यह योग होता है। फिर से आपको बताते हैं कि लग्नेश लग्न में छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी और बारहवें भाव के स्वामी में के साथ में हो तो ये योग का निर्माण होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ तो देखें किस तरह से देखें, आप अपनी कुंडली में देखिए कोई सा भी लग्न हो, अगर लग्न का जो स्वामी बनता है और यहाँ पे शुक्र बनता है तो शुक्र के साथ में अगर छठे भाव का स्वामी यानी बारह छठे भाव का स्वामी यहाँ गुरु बन रहा है, वो यहाँ बैठा हुआ है लग्न में। फिर आठवें भाव का स्वामी देखिए यहाँ शुक्र बनता है, वो भी यहाँ बैठा हुआ है। बारह भाव का स्वामी भी देखिए वो बुध है, यहाँ बैठा हुआ है। तो आपके कोई सा भी लग्न हो, अगर लग्न के स्वामी के साथ में अगर छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी या बारह भाव का स्वामी बैठता है तो रोगग्रस्त योग बन जाता है। तो आप अपनी कुंडली में ये किसी भी भाव में बन सकता है। तो लग्न के स्वामी के साथ में अगर छठे आठे बारह भाव के स्वामी की स्थिति बनती है, साथ में बनता है तो ये योग का निर्माण होता है। इस योग से तो आप समझ, जैसा कि बताया गया रोगग्रस्त योग है, मतलब जातक का शारीरिक गठन दुर्बल होगा तथा रोगी होगा। तो इस रोगग्रस्त योग का जो फल है वो जातक का जो है शारीरिक जो गठन है वो दुर्बल होगा तथा रोगी होगा। तो आप भी अपने कुंडली में इस तरह से योग को देख सकते हैं और इसके फल की जो जानकारी दी वो दी है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको लग्न भाव का स्वामी जो है उसको यहाँ पे मुख्य ग्रह भी है शुक्र है तो उसको मजबूत करना चाहिए तथा उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। साथ साथ में जब दशा अंतर दशाएं छठे भाव के स्वामी जैसे गुरु और बारह भाव के स्वामी बुध या शुक्र की जब दशाएं अंतर दशाएं चली हैं तो इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए तथा 108 बार करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। और आपके इष्ट तो यहाँ पंचम भाव से देखते हैं तो उनके स्वामी की जो भी इष्टदेव पंचम भाव से बन रहे हैं तो उनकी आराधना करना चाहिए। तो इस तरह आप अपने मुख्य घर को मजबूत कीजिए जो लग्न से देखा जाता है, इष्ट देवता की आराधना कीजिए, साथ साथ में जो छठा भाव है रोग का, आठवां भाव है मृत्यु का, बारह भाव है अस्पताल के, इनके जब दशाएं अंत दशाएं चलें तो आप इनके मंत्रों के जाप कीजिए। इस तरह से आप उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि रोगग्रस्त योग क्या होता है और उसको कैसा निर्माण होता है, अपनी कुंडली में किस तरह दे सकते हैं और उससे जातक को क्या फल प्राप्त हो सकता है, उसके प्रभाव कब होंगे तथा उसको कम करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहते हैं, ये सबकी जानकारी आपको दी है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए। अगर आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामूली दक्षा देकर टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।